नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ये जो क्लास लाए हैं ये स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए हैं। राजस्थान पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी इस क्लास को देख रहे हैं वो सभी अपने मित्रों को अच्छे तरीके से शेयर कर दें, सभी को इस क्लास की इन्फॉर्मेशन दे दें। इस क्लास में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं महिला एवं बाल अपराध से संबंधित जितने भी कानून भारत में बने हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, वो टॉपिक इस क्लास के माध्यम से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आईपीसी, इंडियन पैनल कोड 1860। भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत कुछ धाराएं हैं, पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझिए। भारतीय दंड संहिता 1860। अब इसमें सबसे पहले आपको बात ये ध्यान रखनी है कि भारत का या ब्रिटिश भारत का प्रथम वेदी अध्यक्ष जो था उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड मैकाले। क्या नाम है? लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर आईपीसी की धाराएं भारत में प्रारंभ की गई थी और इन्होंने कार्य प्रारंभ किया है, प्रभावी हुई हैं 1 जनवरी 1862 से। तो कुछ ऐसी धाराओं की हम चर्चा करते हैं जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहती हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है धारा 375 के बारे में। धारा 375 जो है इसमें बलात्कार की डेफिनेशन दी गई है, बलात्कार की परिभाषा 375 में क्या है, बलात्कार की परिभाषा है। इसके बाद में आता है 376। कौन सी? 376। इसमें बलात्कार के लिए दी जाने वाली सजा का प्रावधान है। 376 में किसका प्रावधान है? सजा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में इसकी कुछ महत्वपूर्ण उपधाराएं हैं जिनको हम ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे। 376 ए, ऐसे क्या बनता है? ए। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं अचेतन अवस्था, कि किसी महिला के साथ में इतना दुष्कर्म या बलात्कार हुआ कि वो किस अवस्था में आ गई? अचेतन अवस्था में आ गई। बलात्कार के दौरान वो महिला अचेतन अवस्था में आ गई, तो 376 ए के तहत उसकी सजा का जो प्रावधान है, ऐसा होने पर या तो उसे फांसी की सजा का प्रावधान है अधिकतम, और न्यूनतम की बात करें तो उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। तो आप याद रख सकते हैं 376 ए का मतलब अचेतन अवस्था में, कोई महिला दुष्कर्म के दौरान अचेतन अवस्था में आ गई है तो उसके लिए अधिकतम सजा फांसी और न्यूनतम सजा उम्र कैद का प्रावधान है। नेक्स्ट अगला जो अपना धारा है वो है 376 बी। बी से आप याद रखना बीबी कौन होती है? घरवाली होती है। और घरवाली के साथ में बलपूर्वक किया गया, बलपूर्वक किया गया संभोग, बलपूर्वक किया गया संभोग का मतलब है जबरदस्ती, उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया संभोग जो है उसके लिए 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। क्योंकि इसमें कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो याद रख सकते हैं 376 बी, बी का मतलब बेबी, घरवाली के साथ बलपूर्वक किया गया संभोग, एक बलात्कार की श्रेणी में आता है और इसमें 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट है 376 सी
376 सी, सी से आप याद रखना करैक्टर, करैक्टर का अर्थ होता है चरित्र। जब भी किसी महिला का दुष्कर्म हुआ और वह किसी ऐसे प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त व्यक्ति के पास जाती है या कोई प्रतिष्ठित आधिकारिक पद पर कोई व्यक्ति नियुक्त है, वह भी किसी महिला के साथ में क्या करता है, दुष्कर्म करता है, बलात्कार करता है, तो उसके लिए 376 सी में सजा का प्रावधान है। वो एक जिम्मेदार पद पे होने के नाते 20 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। सी का मतलब करैक्टर, चरित्र किसका, पदाधिकारी का, जो कोई पदाधिकारी पद पे नियुक्त व्यक्ति है वह किसी महिला के साथ में दुष्कर्म करता है तो उसके लिए 20 वर्ष का सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट 376 डी की बात करते हैं। जैसे ही डी याद आता है आपको 376 डी, तो डी से आपको एक याद होगा, रेलवे में एक बहुत बड़ी भर्ती आई थी, हमारा उद्देश्य इन धाराओं को याद करने का है। ग्रुप डी, सभी को याद है ना, ग्रुप डी कौन सी भर्ती आई थी, ग्रुप डी की भर्ती आई थी, जो आगे एग्जाम भी होना उसका, ग्रुप डी याद रख सकते, डी से मतलब याद रख लो ग्रुप डी। अब ग्रुप का मतलब होता है समूह, ग्रुप का मतलब क्या होता है, समूह। समूह किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो संगठन है वो समूह कहलाता है। तो इसका इस धारा में ये कहा गया है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया गया जो दुष्कर्म होता है उसके लिए उम्र कैद या फांसी की सजा का प्रावधान है। किसी महिला के साथ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया गया जो दुष्कर्म है उसके लिए उम्र, आपको सजा का प्रावधान पूछें तो उम्र कैद या फांसी का प्रावधान है और 376 डी में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट धारा पढ़ते हैं 376 ए। ए का अर्थ है एंड, ए का अर्थ है एंड, एंड का अर्थ है यहाँ पे फांसी। किसको फांसी, दोबारा कोई दुष्कर्म करता है, कोई व्यक्ति पहले दुष्कर्म कर चुका है और वही व्यक्ति दोबारा दुष्कर्म का आरोपी है तो उसको फांसी की सजा का प्रावधान है। उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है, उसने बहुत घिनौना अपराध किया है, इसलिए उसके लिए फांसी का प्रावधान ई, ई का मतलब एंड, दोबारा दुष्कर्म कोई व्यक्ति करता है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए, 375 में क्या है, बलात्कार की परिभाषा है, 376 में सजा का प्रावधान है जो आगे पढ़ रहे हैं, 376 ए में अचेतन अवस्था, ऐसे अचेतन अवस्था में आ गई है कोई महिला बलात्कार के दौरान तो उन आरोपियों को फांसी या उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। बी का मतलब बीबी, घरवाले के साथ जबरदस्ती किया गया संभोग, अपराध की श्रेणी में आएगा, बलात्कार की श्रेणी में आएगा और 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 376 सी, कोई आधिकारिक पद पे, प्रतिष्ठित पद पे जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा किया गया दुष्कर्म जो है उसके लिए 20 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। 376 डी में समूह में, ग्रुप डी याद रख सकते हैं, समूह के द्वारा किया गया दुष्कर्म जो है उन व्यक्तियों को उम्र कैद या फांसी की सजा का प्रावधान है। और 376 ई मतलब एंड, कोई व्यक्ति दोबारा दुष्कर्म करता है तो उसको भी फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है धारा 377, इसमें उल्लेख किया गया है जब कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति जीव जंतु किसी पुरुष या महिला के साथ दुष्कर्म करता है तो उसकी उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। इस मामले में नवजोत सिंह जोहर व नवजोत सिंह जोहर बनाम भारत संघ 2018 में डिसीजन आया और कहा गया कि ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसमें कुछ ऐसे फैक्ट भी हैं वो भी ध्यान रखने हैं, जब कोई
वयस्क पुरुष किसी वयस्क, वयस्क का मतलब 18 वर्ष से ऊपर, कोई वयस्क पुरुष किसी वयस्क महिला के साथ में संभोग करता है और बाद में वह पुरुष किसी कारणवश शादी नहीं करता उस महिला के साथ में, और वह महिला उस पर आरोप लगाती है कि इसने शादी करने की बात कहकर मुझसे संभोग किया, मेरा दुष्कर्म किया, इसने मेरा शोषण किया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इस प्रकार की प्रक्रिया में अपराध नहीं माना जाएगा। कई बार आता है शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म किया, लेकिन यदि वह महिला वयस्क है तो ये क्या नहीं माना जाएगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। आगे देखते हैं धारा 302, 305, 306 और 307, इनके बारे में समझिए जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं। 302 जो धारा है इसके तहत आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि जो जज होता है वो निर्णय सुनाता है किसी केस में कि दफा 302 के तहत इसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो जब कोई व्यक्ति किसी का मर्डर या हत्या कर देता है तो उसको 302 के तहत मौत के बदले मौत की सजा का प्रावधान है, फांसी की सजा का प्रावधान है। 302 कब लगता है, जब किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी और उस हत्या के का जो प्रमाण है वो कोर्ट ने साबित कर दिया कि इसी व्यक्ति ने हत्या की है, तो उसको क्या सजा मिलेगी, फांसी की सजा का प्रावधान है। 305 और 306 ये दोनों ही आत्महत्या के लिए आते हैं, आत्महत्या। अब आत्महत्या दो प्रकार के लोग करते हैं, एक तो होते हैं नाबालिग, क्या होते हैं, नाबालिग, और एक होते हैं वयस्क या बालिग। अब जब कोई नाबालिग व्यक्ति होता है, नाबालिग युवा है, बच्चा है, और वो आत्महत्या का प्रयास करता है, किसका प्रयास करता है, आत्महत्या का प्रयास करता है, किसी कारणवश घरवालों से उसकी अनबन हो गई कि मुझे बाइक ला करके दो, काफ़ी बच्चे जिद करते हैं मुझे गाड़ी ला कर दो, और धमकी क्या देते हैं, मैं मरूंगा, मरने की धमकी देते हैं, आजकल ऐसा ही चल रहा है सोसाइटी में। तो अगर उसने वो उस प्रक्रिया में जो वो आत्महत्या कर रहा उसमें कामयाब नहीं हुआ तो उसने आत्महत्या करने का क्या किया, प्रयास किया, अब उसे सजा का प्रावधान है, उसे क्या है, सजा का प्रावधान है, और उसे कितने वर्ष की सजा सुनाई जाएगी, 7 वर्ष की सजा सुनाई जाएगी। अब बालिक व्यक्ति 18 प्लस वाले आत्महत्या का प्रयास करते हैं, काफ़ी बार ऐसे होते हैं जैसे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी उसमें जैसे सोच लेते हैं क्या इसमें हम लग जाएंगे और वो नहीं लगे बाई चांस मान लीजिए, तो वो इतनी कुंठा से भर जाते हैं कि मेरी तो नाक ही कट गई है, तो वो क्या करते हैं फिर गलत कदम उठा लेते हैं, आत्महत्या की कोशिश करते हैं। तो वो बालिक लोग जो हैं 306 के तहत उनके लिए प्रावधान किया गया है, यदि वो आत्महत्या का प्रयास करते हैं, आत्महत्या का प्रयास, वयस्क 18 प्लस वाले, और तो उनको अपराधी माना जाएगा, अपराध की श्रेणी में है, और 10 वर्ष की सजा का उनके लिए प्रावधान किया गया है। आत्महत्या करना एक गैरकानूनी है, जब कोई नाबालिग ऐसा कदम उठाता है तो उसे 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, जब कोई बालिग ऐसा कदम उठाता है तो उसे 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अब बात करते हैं धारा 307 की, धारा 307 में क्या प्रावधान है, 307 में जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास करता है, क्या करता है, हत्या करने का प्रयास करता है, तो उसे 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। हत्या में कामयाब नहीं हुआ लेकिन उसने प्रयास किया, इस तरीके से प्रार किए कि हत्या करने की साजिश से मारपीट की, तो हत्या करने का प्रयास का मुकदमा जिस पे लगता है तो धारा 307 के तहत यदि उस पे मुकदमा दर्ज होता है और वो उस पे सही दोषी पाया जाता है उस मामले में तो उसे कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है, 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो हमने धारा 302 पढ़ी, 302 में कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे तो उसको क्या सुनाई जाएगी, फांसी की सजा। 305 और 6 में क्या है, आत्महत्या की बात है, ये नाबालिग हत्या, जो नाबालिग जो हैं जो वो आत्महत्या करते हैं
प्रयास करते हैं आत्महत्या करने का, तो उनके लिए 7 वर्ष की, बालिक के लिए 10 वर्ष की सजा। 307 के तहत हत्या करने का प्रयास में 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अब बात करते हैं धारा 292, धारा 293 और धारा 294। इसको देखिए, जब कोई व्यक्ति अश्लीलता का व्यापार करता है, अश्लीलता का व्यापार एक अपराध की श्रेणी माना गया है। अश्लीलता का व्यापार किसे कहते हैं? वह अश्लील पुस्तकें, अश्लील वीडियो, अश्लील साहित्य आदि बेचता है, बनाता है, तो ये अश्लीलता का व्यापार के तहत 392 के तहत उस पर, धारा 292 के तहत उस पर कार्रवाई होगी। और इसमें सज़ा की बात करें तो सज़ा आपको ध्यान रखना है, 9 में से 2 घटाएं या इधर 9 में से 2 घटाएं, 7 वर्ष, 9 माइनस 2 9 माइनस 2, ये 292 में याद रखना, सज़ा की बात पूछ ले तो 9 माइनस 2 9 माइनस 2, किधर से भी घटा दो कितना आ रहा है, 7 वर्ष की सज़ा है। किसमें? अश्लीलता का व्यापार। फिर बात करते हैं धारा 293 के, कोई तरुण व्यक्ति अश्लील व्यापार में संलग्न पाया जाता है, वही बात है, चाहे वो किसी पुस्तकें, वीडियो, साहित्य, किसी प्रकार का व्यापार कर रहा है, तरुण व्यक्ति, तरुण व्यक्ति का मतलब है जो व्यक्ति किशोर अवस्था या युवा अवस्था का, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है, तो उसके लिए भी 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो उसके लिए भी 10 तो उसके लिए भी 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अब बात करते हैं धारा 294 की, धारा 294 की हम बात करें तो इसमें यह कहा गया है, उल्लेख है कि जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक मंच पर, किसी सार्वजनिक मंच पर अश्लील गाने गाता है, अश्लील गाने गाता है, अश्लील शायरी गाता है, तो उसे 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कितने वर्ष की? 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। धारा 294 में क्या है, कोई व्यक्ति सार्वजनिक मंच पर अश्लील गाने, शायरी गाता है, तो वो 10 वर्ष की सजा उसे सुनाई जाएगी। तो ये हमने धारा 292, 293 और 294 की बात की है। अगली धारा पढ़ते हैं 493, जैसे पढ़ें 4 प्लस 9 बराबर 13 माइनस 3 बराबर 10। सबसे पहले हम सजा की बात कर रहे हैं, इसकी सजा पूछी जाती है, तो 9 और 4 13 13 में से 3 घटा दिए 10, तो 493 के लिए ट्रिक बना सकते हैं, इसमें इन दोनों को जोड़ करके माइनस 3 करोगे कितना आ रहा है 10, तो इसमें सजा कितने की है, सजा है 10 वर्ष की। क्यों है वो जान लीजिए, जब किसी लड़की को, किसी लड़की को विश्वास दिला दिया जाए कि उसका विवाह हो गया है, उसका विवाह हो गया है और बाद में उसे छोड़ दिया गया, रियलिटी में विवाह नहीं किया उन्होंने, तो इस प्रकार का अपराध जो है उसके लिए 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। जैसे किसी लड़की को देखने के लिए आए और कह दिया कि हमें ये पसंद है और तुरंत प्रभाव से हमारे साथ इसको भेज दीजिए, और अगले परिवार ने उस लड़की को भेज दिया, अब उन्होंने उसे छोड़ दिया, तो इस प्रकार के मामले में विश्वास दिलाया था कि उसका विवाह हो गया है, रियलिटी में विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत 7 फेरे लेकर के एक प्रक्रिया के तहत विवाह होता है, वो प्रक्रिया उसमें नहीं की गई, तो विश्वास दिला करके और बाद में दुष्कर्म करके छोड़ देना, इसके लिए 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट धारा 494,
494 में आप याद रख सकते हैं 4 + 9 + 4 बराबर कितना हुए 17। 17 में है खतरा, 17 में खतरा है और सज़ा उस खतरे में कितने वर्ष की है 7 वर्ष की है। अब 17 में खतरा क्यों है गु, तो 17 में खतरा यूं है कि पहले से किसी ने विवाह कर रखा है और उसके ऑलरेडी घर पे एक पत्नी है और वो दोबारा किस विवाह कर रहा है, वो दोबारा विवाह कर रहा है, खतरा ले रहा है 17 में खतरा, एक ऑलरेडी है एक और ला रहा है। तो आप याद रखना 4 + 9 + 4 जहाँ पे योग कितना आ रहा है 17 आ रहा है, तो 17 में क्या याद रखोगे खतरा, खतरा किसका, पहले से पत्नी है एक और ला रहा है तो ये खतरा है उसको, उस खतरे में उसकी सजा का प्रावधान कितना है 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो 494 में कहा गया है कि कोई विवाहित व्यक्ति और दोबारा शादी कर रहा है तो उसे 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। अगली धारा है 495। 495 में जब कोई स्त्री जो विवाहित है और दोबारा विवाह कर रही है, दोबारा विवाह कर रही है, पहले विवाह का निस्तारण नहीं हुआ है, निस्तारण का मतलब कोई तलाक आदि मामला नहीं हुआ है, कोई जब विवाहित स्त्री दोबारा विवाह कर रही है पहले विवाह का निस्तारण नहीं हुआ है तो उसके लिए 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अब बात करते हैं धारा 496, लास्ट में 6 आ रहे हैं, तो छल पूर्वक या कपट पूर्वक विवाह है करना, आपने सुना है कि मैं तुझे उठा ले जाऊंगा डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी, तो उसका मतलब क्या है कि छल पूर्वक उसको उठा ले जाना, जैसा किसने किया था पृथ्वी राज चौहान ने किया था, इस प्रकार छल पूर्वक विवाह करना, उठा ले जाना जबरदस्ती, क्योंकि यहाँ पे कपट या छल पूर्वक जो विवाह किया जा रहा है, तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है 496 तो 6 मतलब छल पूर्वक या कपट पूर्वक विवाह करना, सजा 7 वर्ष। छल पूर्वक या कपट पूर्वक विवाह करने का मतलब है उसने आराम से फेरे नहीं लिए, घर आराम से फेरे कब होते हैं, जब कोई विवाह वैवाहिक रस्म के तहत कोई शादी हो रही है वो एक प्रक्रिया के तहत फेरे होते हैं, तो फेरे कितने होते हैं 7 फेरे होते हैं, तो छल पूर्वक विवाह किया तो क्या नहीं लिए 7 फेरे नहीं लिए, चलो इसको सजा देते हैं कितने वर्ष की 7 वर्ष की, क्यों, क्योंकि इसने क्या नहीं लिए 7 फेरे नहीं लिए, 7 फेरे कब नहीं लेते, किस प्रकार के विवाह में नहीं लेते, जब छल पूर्वक या कपट पूर्वक किसी को भगा करके ले जाते हैं, तो 496 के तहत कहा गया है छल पूर्वक या कपट पूर्वक विवाह करने पर 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अगली है धारा 497 में ध्यान रखना है, कोई विवाहित महिला है और उसका पति है वो क्या है जीवित है, उसका पति जीवित है और महिला विवाहित है, उसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया दुष्कर्म या संभोग जो है वो दुष्कर्म की श्रेणी में आएगा और उसे 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 497 में कोई विवाहित महिला है, उसका पति जीवित है और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में उसके साथ संभोग किया जाता है तो उसे 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। अगला है धारा 498, किसी को बहला फुसलाकर, किसी को बहला फुसला करके भगा ले जाना विवाह आदि का झांसा दे करके, तो उस व्यक्ति को 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण आईपीसी की धाराएं पढ़ी हैं,
इस तरीके से सभी धाराओं को हम धीरे धीरे पूरा कर लेंगे परीक्षा तक आराम से, और आप इसको नोट करोगे और इसका बार बार रिवीजन करोगे। धन्यवाद।